नमस्कार दोस्तों, आज जब चारों तरफ राजनीति की चर्चा है, जब चारों तरफ चुनाव का माहौल है और हवा में एक विचित्र सी कड़वाहट घुली हुई है, तब ऐसा लगता है कि इस कड़वाहट को कम करने के लिए थोड़ी बहुत अच्छी बातें की जाएं, थोड़ी बहुत मीठी बातें की जाएं। अच्छी बातें जिनके लिए हमें लौटना पड़ता है साहित्य की तरफ, और साहित्य से हम कुछ इस कड़वाहट को कम कर सकते हैं। आज हम शिवना प्रकाशन के इस साहित्य मंच पर थोड़े अंतराल के बाद उपस्थित हैं। जैसा आपको ज्ञात होगा कि बीच में शिवना प्रकाशन और ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका द्वारा भोपाल में शिवना साहित्य समागम का आयोजन किया गया, और उसकी तैयारियों के चलते पिछले कुछ समय से हम इस पुस्तक चर्चा को नहीं कर पाए, और आज एक अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं एक नई किताब के साथ जिसका नाम है फरहाद नहीं होने के। डॉक्टर नुसरत मेहदी की ये किताब है और ये उनकी हिंदी में दूसरी किताब है। इससे पहले जो उनका गज़ल संग्रह हिंदी में आया था, मैं भी तो हूँ के नाम से आया था, और इसके अलावा उनके दो गज़ल संग्रह उर्दू में भी आ चुके हैं, हिसारे ज़ात से परे और घर आने को है। डॉक्टर नुसरत मेहदी हमारे समय की न केवल एक महत्वपूर्ण शायरा हैं, एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं, बल्कि वे स्त्री विमर्श की एक प्रखर चिंतक हैं, पैरोकार हैं। लेकिन उनके यहाँ की स्त्री हारी हुई या थकी हुई नहीं है, उनके यहाँ की स्त्री पंख लगाकर उड़ने को तैयार है, और वो लगातार ये बात कह भी रही है कि मैं अब उड़ना चाहती हूँ, मैं अब उड़ रही हूँ। ये गज़लें उस तरह की रवायती गज़लें नहीं हैं जिनमें स्त्री लेखन बहुत दबा हुआ, बहुत कुचला हुआ है, और बार बार वो स्त्री लेखन ये कह रहा है कि पुरुष अगर झूठ भी बोल रहा है तो भी मैं हार जाऊंगी और उसके सच को स्वीकार कर लूंगी। ये गज़लें उस तरह की गज़लें नहीं हैं। ये गज़लें झूठ को झूठ कहने का साहस रखती हैं और वो चुनौती समाज के सामने प्रस्तुत करती हैं कि आप झूठ कह रहे हो। नुसरत मेहंदी की गज़लों में सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो गज़ल का मूड होता है, जो जिस भाषा में, जिस शिल्प में, जिन शब्दों के साथ गज़ल कही जाती है, वो सब कुछ इनमें मौजूद होता है। कुछ बीच बीच में मैं आपको इस किताब में से शेर भी पढ़कर सुनाऊंगा। दर्द सुलगाया गया, आँच बढ़ा ली गई है। दर्द सुलगाया गया, आँच बढ़ा ली गई है। जान ठिठुरे हुए रिश्तों की बचा ली गई है। और एक और गज़ल देखें कि बिखर चला है ताल्लुक, कसाओ मुश्किल है। चलो हटाओ कि अब रख रखाओ मुश्किल है। लचक की आखिरी मंजिल में आ चुकी है शाख, बस और इससे ज़्यादा झुकाओ मुश्किल है। बचा के रखा है अब तक चराग की लौ को, मगर हवा है, हवा पर दबाव मुश्किल है। ये कुछ नए तरह की गज़लें हैं। ये गज़लें, इन गज़लों में जैसा मैंने कहा कि इन गज़लों की स्त्री हारी हुई नहीं है, इन गज़लों की स्त्री थकी हुई नहीं है, वो लगातार उड़ रही है, वो लगातार चल रही है, वो लगातार संघर्ष कर रही है, और एक विचित्र सी छटपटाहट इन गज़लों में हमें देखने को मिलती है। जो मैंने कहा कि बार बार हम महिला शायरों की, महिला शायराओं की, हम ऐसी गज़लों को अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जिन गज़लों में स्त्री होने के कारण हुई तकलीफ़ें, चिंताएं थीं और पराजय थी। जो मैंने जिसका उदाहरण दिया कि उसमें बार बार ये कहा जाता है कि पुरुष अगर झूठ भी बोल देगा तो वो सच हो जाएगा। ये गज़लें बहुत नाजुकी से लिखी गई हैं। इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि उर्दू की जो रवायती शायरी या पारंपरिक शायरी की जो टेक्निक है, वो टेक्निक बरकरार रहे और कहन नहीं हो जाए। आज के ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उस पुरानी परंपरा का भी ध्यान रखा गया है।
मुझसे अनजान तो नहीं हो तुम, इतने बेध्यान तो नहीं हो तुम, इश्क में काम अक्ल से लोगे, इतने नादान तो नहीं हो तुम। इन गजलों में कुछ नए भाव आते हैं, कुछ नए प्रयोग आते हैं। वो साथ आया तो मेरी उड़ान बैठ गई, न जाने क्या हुआ मुझ में थकान बैठ गई, और बुलंदियों पे पहुंचकर मैं बहुत खुश थी, मगर जमी की सिमत जो देखा तो जान बैठ गई। फिर उसके बाद परिंदे जमी पे गिरने लगे, किसी की आह सरे आसमान बैठ गई। ये गज़ल संग्रह शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है, अभी ताज़ा संग्रह है। इसका विमोचन अभी 10-15 दिन पहले ही भोपाल में हुआ है। 200 रुपये इसकी कीमत है और करीब 112 पेजों का ये गज़ल संग्रह है। गज़ल और शायरी के पसंद करने वाले लोगों के लिए निश्चित रूप से एक संग्रह में रखने योग्य किताब है, जो हर एक गज़ल प्रेमी अपने संग्रह में ज़रूर रखना चाहेगा। नुसरत मेहदी के यहाँ पर राजनीति और समाज पर भी व्यंग होता है। नई टकसाल में जाकर ढलेंगे, कई सिक्के यहाँ फिर से चलेंगे। नई टकसाल में जाकर ढलेंगे, कई सिक्के यहाँ फिर से चलेंगे। ये होगा फिर कई किरदार एक दिन, ये होगा फिर कई किरदार एक दिन, कहानीकार को खुद ही खलेंगे। और जिसे आना है लौ से लौ जला ले, जिसे आना है लौ से लौ जला ले, ये दीपक रात भर यूं ही जलेंगे। ये अलग तरह की गज़लें हैं और इन गज़लों में प्रगतिशीलता है और प्रगतिशीलता के साथ में पारंपरिक भाव भी हैं। इन गज़लों के बारे में जो जैसा इसके फ्लैप पर भी लिखा गया है कि जिस कोमलता या नाजुकी के लिए गज़ल को जाना जाता है, उसको नुसरत मेहंदी की गज़लों में देखा भी जा सकता है और यहाँ से सीखा भी जा सकता है। ये निश्चित रूप से सीखने लायक गज़लें हैं, जिनसे आप बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे गम में वो कब घुल रहे हैं, सुना है फिर कहीं मिलजुल रहे हैं। हमारे गम में वो कब घुल रहे हैं, सुना है फिर कहीं मिलजुल रहे हैं। और ये किन रंगों में मौसम खुल रहे हैं, गमों की धूप में हम धुल रहे हैं। और अंधेरे छुप गए गोशों में जाके, उजालों के दरीचे खुल रहे हैं, उजालों के दरीचे खुल रहे हैं। ये बिल्कुल नए तरह की गज़लों का एक संग्रह है, फरहाद नहीं होने के डॉक्टर नुसरत मेहंदी की गज़लों का संग्रह है, जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है। बिल्कुल नया गज़ल संग्रह है। राजनीति की कड़वाहट से भरे हुए समय में आप इन गज़लों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो कड़वाहट थोड़ी कम होगी। नमस्कार।